हेलो जी, सत श्री अकाल ते अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे? ठीक ठाक अपने घरों में? चढ़ती कला वेलकम, स्वागत कहने हैं तुहानू, खुशामदीद कहने हैं, स्वागत प्रीत बानी। रिएक्ट ते हाँ जी, अज दी वीडियो हैगी है जे मोल नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मरदा वे। याद आया कुछ, असी वीडियो बनाई सी पर अज असी ट्विस्ट लाके आया क्योंकि सानू बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन आई सी इस वीडियो दी। कहंदे 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए खबरदार नहीं बना रहे, खबरदार नहीं बना रहे। दसो यार, दसो। खबरदार दी ही वीडियो लेके आया पर इस वीडियो दा टाइटल है खबरदार विद आफताब इकबाल द लंगर ऑफ मौला जट द पहला की सीगा खुशामदेद, मैं हूं आपका होस्ट आफताब। ठीक हो गया पति नजरात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग। और आज की पैरोडी फिल्म है द लंगर ऑफ मौला जट। हम इस फिल्म की कास्ट के साथ भी आपको मुतारिफ करवाएंगे, मुख्तलिफ सीक्वेंस भी दिखाएंगे मिनी थिएटर में, लेकिन साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे डमी म्यूजियम से आए करण जौहर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। But I wish we could have sat a little closer. Oh yeah. कैसी लगी आपको The Langer of Mola Jat? Wonderful movie. What a great movie, masterpiece. ये हमारी फिल्म की बात हो रही है The Langer of Mola Jat. This is really interesting. I like the concept of langer. Langer is very important. Langer is so interesting. Langer everywhere. जो भी आता है उसको लंगर की फिक्र होती है, you know, langer. Langer. But I suppose this has to be a masterpiece. आपको स्क्रिप्ट कैसा लगा? परफॉर्मेंस कैसी लगी? आपको कैरेक्टर्स कैसे लगे? I love Mola. Absolutely love Mola. Although, Mola Jat is good. Yeah. Although he is 200 years old, but 200 years old. At least. But friend, Nuri? The Nuri guy. Wow. I was like, What's so special about Nuri? Everything. If you know what I mean. क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, नूरी के बारे में कोई एक बात तो बताएं। उसका भाई देखा? माखा, माखा नाथ। He's so ugly. He's so ugly. Like, I'm really not sure. Are they like real brothers? They are real brothers. Are you sure? Do you know anybody who conducts this test? कौन सा? What do you call it? DNA. DNA. Oho. No, it's very common, but people are so scared of it. By the way, Nuri, gorgeous, beautiful, durable. What a man. What a man. But have you seen his brother? A total anticlimax. लेकिन आपने देखा नहीं वो एक्टर कितना बड़ा है? Tell me what? गौहर रशीद. Oh, who cares? और कोई कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आया हो? या दैट लेडी मुको मुको यस मुको व्हाट सो स्पेशल शी सो कंपैटिबल मेरा गाना कंपैटिबिलिटी कैसे क्या महसूस करते हैं आप भाई दोनों हम उम्र लगते हैं दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट ट्रस्ट मी अब यूजुअली होता क्या है एक पक्की उम्र का आदमी जी से हमसे भी कोई 30-40 साल उम्र का बड़ा अच्छा लाइक अ फॉसिल साथ में एक अलर्ट सी लड़की होती है अब उस बिचारी को पता नहीं होता कि इसको मौला कहना है या फिर अंकल मौला कहना है सीरियसली शी इज कंफ्यूज्ड बट इन दिस केस हैट्स ऑफ टू द कास्टिंग डायरेक्टर दोनों पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है अच्छा जी अब मुलाकात करवा दें ओ आई हैव बीन वेटिंग प्लीज कॉल नूरी फर्स्ट प्लीज प्लीज क्या कर रहे हैं आप प्लीज वो अपनी बारी पे आएगा आई एम डाइंग टू सी हिम मैं माखा नत ना बुलाऊं आई एम गोइंग लेकिन देखिए ये 3 एक्ट्स पर मुश्तमिल है आज का एपिसोड और एन मुमकिन है कि ये सारे का सारा टाइम यही थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ले जाए ओके ज्यादा टाइम नूरी को देना लेकिन लेकिन सुने ना वो 3rd एक्ट में आएगा फर्स्ट 2 एक्ट्स में क्या होगा ये थोड़े एक्टर्स हैं मौला भी होगा मुखो भी होगी एंड योर फेवरेट डोंट टेल मी माखा अच्छा माखे को मार पड़ती है उसके कान भी पकड़वा सीरियसली यस
गॉड, वरना मैं कह रहा था कि मैं पिछले बड़े रूम में ना नैप ले लेता थोड़ी देर। अच्छा क्या कुछ पर्सनल हो रहे हैं आप माखे के खिलाफ? लुक एट हिम, कम ऑन, ही इज नूरीज ब्रदर, राइट? आपको मुखो भी नहीं पसंद, आपको दारो भी नहीं पसंद, नूरी नूरी करते चले जा रहे हैं, क्या है आपको? नो, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस की। पति नजरात, चलते हैं फिल्म की तरफ। चले अब देखेंगे एक्चुअल की वीडियो, मजेदार शुरू। बोरिंग पार्ट खत्म। भाई देख लिया पोस्टर? एक कहानी है पंजाब दे सब तो वड्डे वैर दी। दार जट तो शुरू होने वाला वैर अगली नस्ल तक जा पड़िया है। गल शुरू हुंदी है उस रात तो जिस रात सरदार अपनी ख्वाबगाह विच सुत्ता होया सी। अच्छा। गर्मी दा मौसम ते सरदार ने फिर भी रजाई लई होई सी। तन्नू उदो ही पता लग गया सी कि सरदार किसी कवाल पार्टी दा सरदार है, यानी के टाड़ी है। फ्लेवर पता लग गया वीडियो दा, है ना? भाई क्या शानदार। बाहर निकला झूठा सरदारा, जून जुलाई च रजाई लवन आले डूम आ। बाहर निकला, तेनू मौला ने चट करना ही। सानू दे कोई मौला दे ना दा, तेनू लवे नीली छतरी आला। बद्दू आवा बड़ा पीछे देख रहे हो, बब्बू राणा साहब देख रहे हो, देख रहे हो। 55 वरिया बाद सरदार जट दा पुत्र जेदियां रगां च ओदे प्यो दा फन लहू बन के दौड़ रहा सी। उन्हें प्यो दा नां रोशन कीता, गल गल ते जुगत शहर शहर च फंक्शन, बगैर बलाया दुश्मना दे व्यावां च शिरकत, बगैर कम तो स्टूडियो दे फेरे, चंगी भली रोटी नूं लंगर कह देना, बिला वजह दुआवां देना, सौ दियां 90 परचियां देना, रेले गोश्त पकाउण आले नूं मुर्शद मान लेना, वड्डे गोश्त तो नसना, छोटे दा सुन के थर पार कर भी पहुंच जाना। ए सारी स्ट्रगल ने ओदे कम नूं चार चन्न लाते। ओ जवान हुंदिया ही चाह दे नाल अफीम खाना शुरू हो गया, अफीम खानी शुरू, एदे नाल ओदे गुर्दे ते सुंगड गए और फन उजागर हो गया। ओदा नां होरे किन्ने मौला जट पा दिता, हालांकि ओदा नां ते या मौला जट होना चाहिदा। ओदा एक तबले आला यार जेड़ा हर वेले ओदे नाल नजर आउण लग पिया, मूह ना तबला वजाउणा ओदा शेवा सी। बहुत अच्छी यार, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन, शानदार, मजा आ गया। पिक्चराइजेशन हो गया है, बैकग्राउंड जो समझ आती गई है सारी अद्धी पिक्चर, है ना? मजेदार यार। मैदान च जित फिर सुट के जुगत करने वाले दी नहीं, सिर चुक के वेल फड़न वाले दी हुंदी है। ओ मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। मौला तेरे वेड़े च आया ही ते कुछ मौला दे ना दा, अल्लाह ने तेनु बड़े भाग लाने। Has he gone mad? कौन है ब्रेलर खुसरा? बदतमीजी ना करो। मैनू कह रहे हैं कि ओनू क्या मौला जट है, गेटअप अच्छा है तुम्हारा, गंडासा भी बहुत प्यारा है, और खास तौर पर तुम्हारी शॉल इसने बहुत इंप्रेस किया मुझे, वेरी नाइस। लेकिन नीचे तुमने एक चवल मारी हुई है। ओके, ये जुराबें जो हैं गधे खेड़ी के साथ एंकल सॉक्स कौन पहनता है? और फिल्म दे चाच ठंड लो आलवा। एक गल याद रखी साहब बहादुर, पैरां वल्लों चढ़ी ठंड बड़ी खतरनाक हुंदी है। मुझे भी एक दफा ठंड लगी थी। हम उन दिनों कर रहे थे बाहुबली 1 केरला के आसपास। ओ माय गॉड, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी। वो फॉल्स वाला सीन। ओ माय गॉड, क्या अच्छी फॉल है वो। नो नो नो, क्या अच्छी ठंड है। ओ आफ्ताब, मुझे इतनी ठंड लगी, इतनी ठंड लगी। आई हैड टू स्लीप विद
with couple of rose eyes. और सुनाओ, और तुम सुनाओ एक्टर, तुम हो क्या? हम मेरे कॉल जिनिया लेना सी साहब आदर, ओ मैं सुना बैठा। और ये जो अजीबुल खलकत सा यार है तुम्हारा, ए मुंह नाल तबला बजाउंदा ही किन्ना कि चिकड़दा कि किन्ना कितना चिकड़था कितना चिकड़था कितना चिकड़। सी मौला जट के कॉल सुना ओए दादा चिकड़ता दादा चिकड़ता दादा चिकड़ता दादा चिकड़ता किन्ना कि किन्ना कि किन्ना कि अच्छा जी, ये मौले का वो दोस्त है बेकार सा जो हर दफा उसे मरवाता था। चल मुदिया दूजी आइटम शुरू कर। टन 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 कट मुदिया गन कितने मिजरेबल हैं, आपको डरते हुए जुगत भी नहीं कर रहे। मौला वेख लो, मौला की वेखना मंगियाई ने मत मारी पई, मौला कठा नजर आंदा पंडा। ओ खान पीन वालियां चीजां महंगियां हो गईयां ने जनाब, करेले गोश्त खाधे साल हो गया सन। कहंदे सन हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, इकॉनमी के एक्सपर्ट आ गए हैं, ए ट्रेजेडी दे एक्सपर्ट आ गए ने। मर वी अंडे नु हाथ नहीं लगन दे, ते मरे तेनु किन्ने क्या किसे दे अंडे नु हाथ ला। 105 रुपए किलो आटा, 25 रुपए दा नान, हुण एदे वर्गे बंदा की करे बेचारा। मुर्गी दा गोश्त 450 तो थले आउण ही नहीं दिया, क्यों ब्रायलर तैनू तो पता होना है। बदतमीजी ना करो। अरे की बदतमीजी हो, इंडिया तो आया ते इसलिए नहीं नहीं मेहमान है ना, की दसीए तानू सीने दा रेट हो रे ते लगदा हो रे। यानी फ्रंट सस्ता है जी है और लेग महंगी है। मैं क्या एक लेग पीस विच पा दे, कहंदा 600 रुपया होएगा। मैं क्या क्यों, कहंदा विच लेग पीस जो पा देता है। मैं क्या मरे लेग पीस रोनाल्डो दा पाता फुटबॉल खेलदा हांडी च गोल करन दिया होवे तो अच्छी गल। एक नंबर दूध नहीं लभदा जनाब, दूध बहुत बड़ा बोहरान है। और कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल दूध बिक रहा है उसके अंदर डिटर्जेंट होता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं कि बताए भी नहीं जा सकते। कल में किलो दूध नाल 6 सूट धोते ने, अज ने वॉशिंग मशीन लानी है, सर्फ वॉशिंग पाउडर नालों तो सस्ता दूध पैंदा जनाब। अरे बंडा मैनू तो लगता सारी महंगाई धोबिया ने की है, इसे दुखो असी भाई जी मज खरीद ली है। वाह लांडरी खोलन लगे हैं दूध के। हाँ जी ओद ना बनैन धो के देंगे, चिट्टी भी ज्यादा होएगी। बेवकूफ वो दूध और होता है, मज ने देना 8 किलो, असी 60 किलो नु 60 किलो करना है। वो कैसे ऐही केमिकल पा के रोना रोई ते जान दे। चलते हैं फिल्म की तरफ। अंग्रेज पक्की उम्र दी ये मुटियार तारा दिन लंघ दे टपते गबरुआ नू तरसियां निगावां नाल वेखदी ते हौके पांदी। तरसियां निगाह किथे रह गया सी औंतरिया, लब लब किथे लो गईयां है, किथे सी औंतरिया, मैं पूरा पिंड छान मार लिया। ए मेरी मशूक है साहब बहादुर। मैं इहदा मशूक हां साहब बहादुर। मैनू चुक के नहर भी पार कर लेंदा। मेरी जवानी रुल गई बे मौले, मैं तेरी पक्की उम्र दी मशूक सालिया। इश्क दे पिछे लग के दुश्मनियां भुलियां नहीं जांदियां मुको। याद कर दुश्मनां दा हमला,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜੰਝ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੋ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ, 24 ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਵੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤਰੇ। ਵੱਡੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਘੋੜਾ ਲਾੜੇ ਸਮੇਤ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਪੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। दुश्मन को वेला देने लग पे। ये किस फिल्म का गाना है? ये तुम कहां के भांड हो, तुम्हें ये भी नहीं पता? को पूछा उन त्रिकिल नाल बैठा। आई थिंक इट्स करतार सिंह। यस, अच्छा। ओह माय गॉड, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲਿਆ, ਮੌਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਕ ਆ। ਮੌਲਿਆ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ਹੂਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੌਤ ਹੋਣ 'ਚ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਠੰਡਿਆ ਮੌਲਿਆ, ਖਾਂਦਾ ਫੀਮ ਹੈ, ਹਰਕਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਕਰਦੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਯਖ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਯਖ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾ ਅਲਾਸਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਭਾਲੂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ। ਮੌਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਰੇ ਮਰ, ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਇਮਲੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮੌਲਿਆ ਛੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਂਤਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਲੇ ਨੇ ਮੌਲਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਾ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਔਂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਇਧਰ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ, ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ। ਓਏ ਪਲਠਣੋ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੌਲਿਆ, ਇਹ ਮੌਲਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਹਮ ਉਸ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਏਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਫਾਈਨਲੀ। ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਮ? ਆਈ ਐਮ ਲਵਿੰਗ ਇਟ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੂੰ। ਆਪਨੇ ਮੇਰਾ ਵੋ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕਰਨ ਦੇਖਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸਮੇ ਆਪਨੇ ਮੇਰਾ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇਖਾ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਚਲੇ ਛੋੜੇ। ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਕਹੀਂ ਇਹ ਵੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਥਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਈਜੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਥਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ? ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਰੀਲੀ? Everybody knows Hareem Shah. What about her? She's a celebrity. And there was another one involved. Naam, I'm just forgetting. Khatak, Khatak, Khatak. Parvez Khatak. Sandal Khatak. Oh, my bad. I just mixed up. Have you seen Parvez Khatak? Woh bhi achhi talented hai. Parvez Khatak is our ex-chief minister, KP, and our defense minister. And a male. Parvez Khatak saab bahut tagde siyasatdaan hai. तगड़े हैं, एक्स-चीफ में। ऐसा है तो तुमको कॉफी विद करण में भेजना। यू एंड खटक, बोथ ऑफ यू इन कॉफी विद करण। खटक कॉफी पियेंगे। यस, ऑलराइट, कॉफी विद करण, रैपिड फायर राइट नाउ विद यू, वन ऑन वन। यप, आर यू रेडी? या, ओके। द बेस्ट डायरेक्टर, विलियम वायलर। ओह, बॉलीवुड का सत्यजीत रे। नॉट द ओल्डीज, कम ऑन, आजकल के, आजकल के। वो मैं उसको डिफाइन कर दूं? राम गोपाल वर्मा। ओहो, वो तो बाबा जी हो गए, कम ऑन। बस फिर मुझे कोई नहीं पसंद। नहीं नहीं, कोई है तो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद। आप होंगे। बूझ लिया आपने। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट जर्नलिस्ट कहां का? इंडिया। बरखा दत्त। मेल, मेल। रविश कुमार। हाँ, बिल्कुल सही है। मुंह तो सीधा करें, क्या हो गया? वो बस उनकी शक्ल मेरे ज़हन में घूम। ऑलराइट, रविश जी इज गुड, रविश, आई रिस्पेक्ट यू रविश जी। वैसे आफी, सच अ बोर, आई डिडंट नो दैट। रविश कुमार, ओह माय गॉड। एनीवे, आई हैव अ क्वेश्चन।
जी डॉक्टर जी, रूमर्स हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट इंडिया में रिलीज होगी। वो आपको इतनी पसंद आई, आपने इतनी तारीफ की, क्या ये आप रिलीज करवाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस? वेल ऑनेस्टली, लेजेंड ऑफ मौला जट इज अ वेरी गुड मूवी, बिग सिल्वर स्क्रीन मूवी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट फॉर टेलीविजन, द लंगर ऑफ मौला जट, यानी आवर मूवी, यस, अल्टीमेट। वाओ, नूरी, वेयर इज नूरी? नूरी थर्ड एक्ट में आएगा। कैन आई गो एंड टेक अ कैट नैप? इसमें आपका फेवरेट आने वाला है। Who, Nuri? Makha Nath. Why don't you call him Matha Nath instead? आपको क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? बहुत प्रॉब्लम है। He's not a movie material, okay? Look at Nuri. Wow. ये क्या करते हैं आप? My way of showing affection. My way of showing love. My way of showing respect. Is it coming? चलते हैं ख्वातीन उज़रात फिल्म की तरफ। The लंगर ऑफ मौला जट एक्ट थ्री। जीवे नत दा अथरा ते बद शकल पुत्र, माखा अपने करतूतां पारों पूरे इलाके विच मशहूर सी। पिंड दियां कुकड़ियां वी इस राक्षस कोलों पनाह मंगदियां सन, होर ते होर पिंड दे ठूए ते सप वी इस बदबख्त दे नां तो थर थर कंबदे सन, क्यों ए सब कुछ चट कर जांदा सी किसे वैशी दा बच्चा। आ जल्दी करो, आनू को ठूमा लद्दा है कि नहीं? मेरी त्रोटक तो जेंदु पे निकल दी है। I have question. Act 4 आ गया? Number 1, what is ठूमा? ठूमा is scorpion. Oh, poisonous one. ठूमा. बिच्छू. I have another question. जी. What is this त्रोटक? Something like that. त्रोटक. Something. I heard that. जो बेड नहीं होती. किसी चीज की अर्ज जो बंदे को मरने वाला कर देती है, नशे की अर्ज। जंगलों में जाओ भाई जी, पिछे जंगल ही है, गारे पड़ी गए ने, यकीन करो दो हाण बोतल चू निकल गए ने, रात का डंग रखे आया, एक अद्धी खुराक तो तुहानू पता कोल हुंदी है। ये बदबख्त देखो कैसी सजा भुगत रहा है के बिच्छू का जहर नशे के तौर पर इस्तेमाल कर, और लभ्या के नहीं कर दिया, नहीं लभ्या, बाहर जाके जंगल च लभो, खच दियां खचा हो। रोटक तू वजूद भी त्रुटदा पिया, ते उंदे आउण दा भी टाइम होया, ओ ताहीं लाया है पतन ते डेरा ढोले इदाऊ आवणा है। सारे सिंगर हुंदे कॉमेडियन यार, सारे जी ट्राइंग टू से आई वुड लाइक टू, ये वही है ना मक्खी, मक्खा माखी मक्खी व्हाटएवर दैट इज, ओए नंगे आदमी है, ओए घटिया शख्स, ओए थर्ड क्लास एक्टर, गो एंड सेंड योर ब्रदर। एक्सक्यूज मी, लुक एट मी, आई एम नॉट जाहिल, आई एम एजुकेटेड फैमिली से रिलेटेड, बट यू आर अगली, यू आर पिछली। भाई जान, मेरी महबूबा आउंदी पई है, इनू तो किसे बिले लाओ। तुम्हें क्या कहते हैं ये? उनके सामने भी मैनू आखसी है अगली है। ओ तुम पागल हो यार, इनके कहने का इतना सा भी असर नहीं लेना तुमने। हैं जी, नंबर वन तुम गुड लुकिंग हो, बंडल ऑफ थैंक्स। नहीं, ये चवले मारना एक अलग काम है, लेकिन अपीयरेंस का जहां तक ताल्लुक है, एक तो गुड लुकिंग हो और बड़ा मैनली कैरेक्टर हो। मैनली माय फुट, क्या हो गया आपको? बहरहाल जो भी है भाई जी, मेरी महबूबा आउंदी पई है, इनू क्या दो मिनट अपना बूथा बंद रखे। यार बात सुनो, ये मासूम सी बच्ची है, क्यों उसे हैरास करते रहते? मैं कितने हैरास किया? और क्या तुम्हारे बाप ने किया? अभी जो कह रहे थे कि मेरी महबूबा, तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? ओहो, ये उनका आपस का मामला है। नो, इट्स अ पब्लिक इशू, इट्स अ पब्लिक इशू। लेट मी टेल यू समथिंग, ये बदमाश है, सिर्फ इस वजह से उस बेचारी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। नहीं, ये तो है ना, कैरेक्टर तो तुम्हारा बदमाश वाला ही है ना। ये मेरा की कसूर है, जो लिखा उस दिता है मैंने। हाँ चलो, बहरहाल तुम्हारा एक नेगेटिव कैरेक्टर है और तुम उस मासूम सी लड़की को एक्सप्लॉइट करते हो। असी यार वीडियो नु इत्थे ही रोकते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो रही है, लाफ्टर दे बिना हो रही थी क्योंकि आई थिंक जरा
प्ले वाला जो पार्ट है ना वो स्टार्ट हो जाएगा तो पूरा नहीं बना पावे अभी। हाँ पूरा नहीं बना पावे अभी पार्ट है ना, क्योंकि फिर सू कवर करना पेगा तो एक्चुअली जो पार्ट होएगा प्ले वाला वो सैकेंड पार्ट कवर करा। इतने खत्म करते हैं असी, इस तो बहुत सोहनिया वीडियो देखी हुई है, इस सबजैक्टिव बहुत ज़्यादा काम सेगा। करण जौहर ना मैंने रियल लाइफ भी बंदा पसंद नहीं है, तो ये बंदे की एक्टिंग मैंने बहुत अच्छी लगी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे तरीके फड़िया हुआ करैक्टर है, बहुत अच्छा किया हुआ। बट विद टाइम जो वो करैक्टर जो हो गया ना, फिर मैंने जितना करण जौहर नहीं अच्छा लग रहा ना, तो मैं फिर वो करैक्टर भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि फिर हो जाता ना बंदा इस तरीके ना, फिर बंद क्योंकि यार तुम करैक्टर ही इन्ना अच्छा करते हो, फिर तुम्हें ही बंदा वो समझ लग जाता कि तुम हो गए हो। तो चलो वो गेरी गल हो गई। बाकी अपना क्या बब्बू राणा साहब जरा बिच बिच जो बिच बिजलियां कड़कदिया सीगियां, बदल गरजते सीगे, खेतां दे सीन आंदे सी बिच, अपनी अंग्रेज मूवी दे बड़े सारे सीन आए, बहुत सारे स्टार्टिंग विच ही सीगे बिच जेड़े भंगड़ा पा रहे सीगे अमरजीत सिंह सीगे, मैं बड़ा देखिया मैं ना कि मैं कहा यार सीन देखे देखे लग रहे काफी, ते जदों विच बोलदे सीगे ओह हासियां दा भरपूर होए होए किथे आंदे सीगे यार होए होए मजेदार। आई थिंक इस पूरी वीडियो विच पूरी 22-23 मिनट दी जिहड़ी वीडियो हैगी है या 20 मिनट दी जिहड़ी वीडियो उस ते सब तो वीडियो दा वधिया सैगमेंट सी बब्बू राणा भाजी का आना। हाँ मतलब शकावत नाथ साहब भी बहुत वधिया सीगे स्टार्टिंग विच, उन्होंने बहुत वधिया वो कीता कि हाँ भी नहीं अच्छा महंगाई दे उत्ते करंट टॉपिक ते जो है गल्लां हो रही ने, अच्छा वीडियो दे नाल नाल उहदा मैसेज भी जा रहा पर एक फनी तरीके दे नाल, ते वो बहुत अप्रीशिएटिव चीज़ है। बट आई थिंक मैं कहांगी कि जे सेकंड हाफ विच नूरी ने आना है, बट आई थिंक इस टाइम जो टीम हैगी है ना पूरी आफताब इकबाल साहब दी ओदा जेड़े बब्बू राणा साहब ने बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट ने इस टाइम उस टीम दा। ओ भाई मैं कह क्योंकि इतना कुछ ज्यादा पक्के हो गए ना, इतने लंबे अरसे तो काम कर रहे हो टीम दे नाल, इतने लंबे अरसे तो ने आफताब साहब नाल, आफताब साहब आप इन एक्सपीरियंस ने, तो उन्होंने काम करके सोचो कि बंदे नू कितना ज़्यादा वो बंदे नू की कहते एक्सपोजर मिल जाता है, तो आज देखो कितना निखर के आए ने, आज हर रोल नू इन्ना बखूबी निभाते हैं, थिंक मेन पार्ट बन जाते हैं पूरी स्क्रिप्ट दा। और एक फीमेल कैरेक्टर निभाना है ना, मैं हर बार ये कहनी हूँ कि जिन्हें मेल आर्टिस्ट ने जो फीमेल कैरेक्टर निभाते हैं वो सब तो वधिया निभाते मैंने लगता है। एंड आई थिंक मेकअप तो लैके उन्होंने एक्चुअल गेटअप तो लैके मतलब जो कुछ भी उन्होंने प्रजेंट किया वो पाँच पाँच सत्त मिनट की क्लिप के आई थिंक ओ स्टार मार्कर सी इस वीडियो दा, ते उसे दे होप करांगे कि सेकंड हाफ दे विच लाफ्टर ज्यादा होवे क्योंकि ओदे विच स्क्रिप्ट प्ले कीती जाएगी अच्छी वाली, ओदे विच एक्सपेक्ट करांगे आपां, एदे विच सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा सीगा, करण जौहर दे नाल गल्लां बातां बहुत ज्यादा कीतियां होईयां सीगियां, ते इस करके विच चीजां घट निकलियां। सो बट एनीवे जिद्दां मतलब जिद्दां हास्से साडे नाल ने ते फिर फिक्के भी साडे नाल ने, ते कर दो फिर इसको खत्म, बिल्कुल कर दो इसको वाइंड अप, ए वीडियो नु इधर ही करने हैं खत्म गाइस, ते छेती छेती सेकंड हाफ भी तोड़े लिए लेके आने हैं, इस वीडियो नु असी ज्यादा लामा नहीं पावांगे, ते छेती छेती वो वीडियो दी तैयारी करने हैं जी, सानू हाल फिलहाल दो इजाजत, लेके हाजिर होने अगली वीडियो, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, सेहतमंद रहो, तंदुरुस्त रहो, दुआ में सानू याद रखो, असी तुहानू याद रखांगे, दियो इजाजत प्रीत बानी नु, ते तद तक लई सत श्री अकाल ते खुदा हाफिज़।